पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अतिथि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधीन कर्मचारी काम कर रहे हैं। कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के साथ बड़ा झोल सामने आया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, साथ ही उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को आखिर क्यों बंगाल और बेंगलोर का दर्शाया जा रहा है, इसके पीछे कंपनी में क्या खेल है और क्या आखिर कंपनी कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये सभी अभी तक कर्मचारियों को नहीं पता। इसी झोल की शिकायत करने के लिए आज कर्मचारियों ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया और कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल आजकल फ्रॉड के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सभी को सतर्कता बरतनी भी जरूरी है। मुरादाबाद में सैकड़ों कर्मचारी अतिथि लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ नौकरी की आड़ में कंपनी क्या कर रही है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। आज सभी ने मुरादाबाद के आयुक्त को मामले में जाँच के लिए एक पत्र सौंपा है। अतिथि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं वर्क करता हूँ, एरिया मैनेजर की पोस्ट में मैं काम करता हूँ। मेरे अंडर में चार डिस्ट्रिक्ट हैं, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। ये कंपनी FI प्लस MFI दोनों चलाती है और ये हमारे जो है महिलाओं को समूह लोन वितरण करती है। कंपनी का पे स्लिप आता है, कंपनी के पे स्लिप पर वेस्ट बंगाल और लोकेशन पर ज्वाइनिंग लोकेशन पर बंगलौर लिख के आता है। इसकी आवाज़ मैंने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जैन सर हैं उनसे मैंने एक बार पूछा, उन्होंने मुझे फटकार लगा के मेरा फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने दोबारा आवाज़ प्रीति मैम से उठाई थी और जो हमारी कंपनी में एचआर हेड हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि अपना काम करिए, अगर नहीं अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। जब यहाँ पे एक बार 17 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उसमें हम सब लोगों ने आवाज़ उठाई, उसमें प्रीति मैम ने मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद जो लड़कों जो हमारे एम्प्लाई हैं कंपनी के अत्यधि टेक्नोलॉजी में 220 एम्प्लाई हैं जिनकी लोकेशन वेस्ट बंगाल आती है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं लगता है कि पूरे प्रदेश में यूपी से कोई रजिस्टर्ड हो। हर एक एम्प्लाई के आगे वेस्ट बंगाल या फिर बंगलौर लिखा आता है और मुझे लगता है कि कंपनी हमारे उत्तर प्रदेश के टैक्स को भी चोरी कर रही है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैंने कमिश्नर ऑफिस में इसकी लिखित एप्लीकेशन दी है, मैं चाहता हूं कि उचित अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाए, जो कंपनी के हित में या हमारे हित में जो भी सही हो, एम्प्लॉय के हित में जो भी अच्छा हो उचित कार्रवाई करी जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।